सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी, आपकी हिंदी एडुकेटर, SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 में पाठ 3 वृक्ष जीवन का आधार का अभ्यास कार्य, जिसमें भाषा मंथन रहेगा आज का विषय। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है वह है सर्वनाम से संबंधित। सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा दी गई है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब क्या करेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द अलग करके लिखेंगे। पहला वाक्य देखिए, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से हमें चेतावनी मिलती है। यहाँ पर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से किसे चेतावनी मिलती है? हमें चेतावनी मिलती है। तो यहाँ पर हमें शब्द हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुझे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यह किसने कहा था? यह कहा था बरगद ने। तो हमने यहाँ मुझे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बरगद के लिए। तो यह हमारा सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये इसने बरगद संज्ञा शब्द को रिप्लेस किया है। बरगद संज्ञा शब्द के स्थान पर यह आया है, इसलिए यहाँ पर मुझे शब्द हो गया सर्वनाम। ठीक है, उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को। तो यहाँ महात्मा बुद्ध शब्द जो संज्ञा शब्द है उसे रिप्लेस किया गया है उन्हें के साथ। तो यहाँ पर उन्हें हमारा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तुम्हें पेड़ों का संरक्षण करना होगा, मानव को। यहाँ किसी कहा गया है? मानव को पेड़ों का संरक्षण करना होगा। तो तुम्हें शब्द मानव के स्थान पर आया है, इसलिए तुम्हें हो जाएगा सर्वनाम शब्द। मेरी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, किसने कहा था ये? मेरी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, आम ने। ठीक है, तो आम की जगह मेरी शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, ये हो जाता है मेरी यहाँ पर सर्वनाम। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम शब्दों का भाषा में प्रयोग क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब हम एक ही संज्ञा शब्द को बार 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 प्रयोग करते हैं तो वह हमारे भाषा सौंदर्य को नष्ट कर देता है। और उन्हीं शब्दों को हटाने के लिए हम ऐसे शब्दों का निर्धारण करते हैं जो उन्हीं का अर्थ प्रदान करें। ठीक है, और उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के दो दो भिन्न अर्थ लिखेंगे। बच्चों, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें ऐसे भी शब्द पाए जाते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, और ऐसे शब्दों को कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, हम उनके दो दो अर्थ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, फल। फल क्या होता है? किसी कार्य का फल, किसी कार्य का परिणाम। जैसे अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें इसका परिणाम मिलेगा, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। तो फल का अभिप्राय हुआ परिणाम। और दूसरा फल होता है पेड़ पर लगने वाला फल, जैसे आम, केला आदि। आगे देखिए, हर। हर शब्द में जैसे हर बच्चा अपना काम करेगा, तो हर का मतलब होगा प्रतीक। और दूसरा हर होता है हर लेना, दूर कर लेना, जैसे हे भगवान मेरा दुख हर लो। हर लो मतलब दूर कर दो। ठीक है, अगला है जड़। जड़ मूल, जड़ का एक अर्थ हो जाएगा मूल, और दूसरा हो जाएगा मूर्ख। जैसे पेड़ों की जड़ें होती हैं तो वे उनकी मूल होती हैं, लेकिन जड़, जड़ होता है जिसके अंदर दिमाग नाम मात्र ही होता है, ऐसा कोई भी जीव, प्राणी या व्यक्ति, उसे मूर्ख फिर कहा जाएगा। अगला शब्द है आदि। आदि होता है शुरू और पुराना, जैसे आदिकाल से ही ये बात चली आ रही है। जैसे आदि, शुरू और पुराना, ये दो शब्द इसके अर्थ इसके बन जाएंगे। अगला है मात्रा। मात्रा में सबसे पहले हम देखेंगे परिमाण। देखो यहाँ परिणाम था, परिणाम होता है फल, और परिमाण, परिमाण होता है किसी की मात्रा, जैसे चावल का माप, चीनी का माप, ठीक है, तेल का माप। तो माप तोल से संबंधित जो मात्रा होती है उसे परिमाण कहा जाता है। और दूसरा मात्रा होता है जो हमारे स्वर होते हैं उनके लिए निर्धारित किए गए चिन्ह।
जैसे हम ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, आ की मात्रा इत्यादि लगाते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो अच्छी तरह आपको ये समझ आ गया होगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग तथा पीछे लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय कहा गया है, ये टॉपिक शायद आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ। वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे नया रूप दे देते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। और वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं, हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे पास शब्द, जो हमारा शब्दकोश है उसमें शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों को हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर और भी नए शब्द बना सकते हैं, अपने जो शब्दकोश है उसमें शब्दों में वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय को यूज किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे सु उपसर्ग लगाया गया है पुत्र शब्द में, पहले हमारे पास केवल पुत्र शब्द था, अब अगर हम इसमें सु उपसर्ग लगा देते हैं तो यह हमारा शब्द बन जाता है सुपुत्र, यानी सु यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। महत्व में पूर्ण शब्द लगाया गया है, यह शब्दांश है। मैं आपको बता दूँ ये शब्दांश क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो शब्दांश हैं ये शब्दों के साथ अगर रखे जाते हैं तो ही अर्थवान होते हैं, इनका अपना अर्थ तो होता है लेकिन ये कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं किए जाते, ये किसी न किसी शब्द के साथ ही लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। ठीक है, जैसे पूर्ण में, महत्व में पूर्ण को जोड़ दिया गया है तो यह बन गया महत्वपूर्ण शब्द, तो पूर्ण यहाँ पर क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। इसे आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये उपसर्ग का ऊ है तो ऊ को ऊ से हम बनाएंगे आगे। ठीक है, इसमें भी ये ऊ जैसा आपको नज़र आएगा, और प्रत्यय में यहाँ पर पै है तो प्रत्यय में पीछे, तो यहाँ पर भी पै का आगम हुआ है, तो ऊ से अ बना लेंगे, आगे बना लेंगे, और प्र से प बना लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं और प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं। ऊ से आगे, आगे लगा दिया, प से पीछे, तो हमने इसे पीछे लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कुछ उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं, अब हमें क्या करना है, इन उपसर्ग और प्रत्ययों को सटीक स्थान पर रखकर इन्हें एक ऐसा रूप देना है जो अर्थवान हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है उप, वार, सु, नाशक, दायक और अ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केवल इन्हीं में से छांटकर इन शब्दों के साथ हमें रखना है। ठीक है, तो देखेंगे कि पहली बात तो इसमें उपसर्ग कौन कौन से हैं और प्रत्यय कौन कौन से हैं। उप, सु और अ, ये तीनों उपसर्ग हैं, वार, नाशक और दायक, ये तीनों प्रत्यय हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि उपसर्ग कौन से हैं और प्रत्यय कौन से हैं, तो बच्चों इसे इसके लिए आपको अपनी व्याकरण पुस्तक उठानी होगी, उसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए गए हैं, आप वहाँ से उन्हें याद करिए, उसके बाद इनका प्रयोग आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो देखिए, रक्षा शब्द है, इसमें आप सु का प्रयोग करेंगे तो यह बनेगा सुरक्षा। योग शब्द है, अगर आप इसमें उप का प्रयोग करेंगे तो उपयोग शब्द बन जाएगा। देखो, योग में जब हमने उप का प्रयोग किया तो इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। मूल्य, मूल्य में हमने ए का आगम कर दिया तो अमूल्य शब्द बन गया। ठीक है, लाभदायक तो बन गया लाभदायक, कीट प्लस नाशक से बना कीटनाशक, और बंधन प्लस वार से बना बंधनवार। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ये था आपका पाठ 3 का भाषा मंथन भाग अभ्यास कार्य। ठीक है, तो आप इसकी सहायता से, इस वीडियो की सहायता से भी अपना काम कर सकते हैं, और मैंने कक्षा में तो आप लोगों के साथ बात कर ही ली है इसके बारे में, तो आशा करती हूँ कि आपको यह भाग अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बच्चों, ओके, धन्यवाद।